वेलकम टू स्टडी आई क्यू हम अमित वारी द किलोर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कर रहे हैं जिसके अंदर आज जो हमारा चैप्टर है जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट चैप्टर इज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1858 1857 में इंडिया में एक विद्रोह हुआ था सिपाही म्यूटनी जिसे कहा जाता है सिपाही सिपाही की म्यूटनी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उसमें जितने भी भारतीय थे जो आर्मी के लोग थे सिपाही थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एंड दे ट्राइड टू ओवर थ्रो दी ब्रिटिश एम्पायर विद्रोह जो था वो अप्रोक्सीमेटली एक साल तक चला था मतलब कि अलग अलग जगह पर अलग अलग जगह पर event, उस की से, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट उस समय जो कि ब्रिटिशर्स एडमिनिस्टर करते थे भारतीयों को उन्होंने उसके अंदर बड़े सारे से चेंजेस लाए सो so, हमारी एनसीआरटी में एक चैप्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर फिफ्टी 1858 के बाद भारत के राज्य व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आए थे ये हमें यहां पर पढ़ना पड़ता है स्पेसिफिकली हमारे लिए जो रेफरेंस बुक है हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम विच वी फॉलो फॉर दी यूपीएससी एंड दी स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या फिर जहां पर भी मॉडर्न हिस्ट्री टॉपिक होता है इसके अंदर ये वाला चैप्टर दिया नहीं हुआ है द कंटेंट रिलेटेड टू द चैप्टर इज गिवन इन टू डिफरेंट चैप्टर्स पर इसके इंडेक्स में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा परंतु जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की ओल्ड टेक्स्ट बुक है इसके अंदर एक चैप्टर है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद जिस चैप्टर का टाइटल है एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस चेंजेस आफ्टर आफ्टर 1858 1858 क्या क्या डिस्कस करता है समथिंग दिस प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद क्या क्या चेंजेस हुए एग्जैक्टली चेंज exactly आर्मी में अब देखो उसको सिपाही म्यूटिनी कहते हैं म्यूटिनी आर्मी में सिपाही म्यूटिनी कहते हैं तो अब ऐसी जगह पर जहां से रिवोल्ट आया था जहां से रिबिलियन हुआ था उसको किसी प्रकार से चेंज किया जाएगा ताकि ये ऐसा दोबारा रिपीट ना हो दैट्स व्हाट ब्रिटिशर्स डिड तो आर्मी में ईस्ट इंडिया कंपनी या उसको उस समय इंडियन आर्मी कह सकते हो उसके अंदर क्या चेंजेस हुए पब्लिक सर्विसेज में क्या चेंजेस हुए प्रिंसली स्टेट्स के साथ 1857 से पहले अंग्रेजों के कैसे रिश्ते थे 1857 के बाद उन्होंने क्या-क्या बदलाव किए? क्योंकि 1830 के करीब में इंट्रोड्यूस की जा चुकी थी so, over a period of 30 years, एक क्लास उभर कर आ रही थी जो कि एजुकेटेड थे इन सर्टेन सेंस यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन में एजुकेटेड थे उनकी तरफ अंग्रेजों का क्या एटीट्यूड रहा लेबर लेजिस्लेशन लेबर से संबंधित लेजिस्लेशन में किस प्रकार के बदलाव हुए कैसे नहीं हुए एंड द रेशियल एंटेगोनिज्म जो कि बेसिकली बदलाव नहीं बेसिकली बढ़ गया पहले भी था अठारह से पहले इट जस्ट इंक्रीज आफ्टर 1858. दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग नाउ जो लेक्चर नंबर एट था उसका फर्स्ट पार्ट यानी कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किए थे ऑलरेडी आज का जो चैप्टर होगा हम बाकी सारे के सारे चेंजेस करेंगे एंड देन दिस चैप्टर वुड बी डन एंड नेक्स्ट टॉपिक लेट्स गो फॉरवर्ड ओके स्टार्ट करना स्टार्ट करते हैं इस जो हिस्ट्री की जो स्पेक्ट्रम की क्लासेस हैं इससे संबंधित जो पीडीएफ है वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाता है और जो क्लासेस नेक्स्ट वाली कब आएगी नोटिफिकेशन उस क्लास की आपको चाहिए या कोई और क्लासेस की सो ये टेलीग्राम चैनल में दैट इज अवेलेबल सो यू शैल ज्वाइन इट इनकेस मुझसे डायरेक्टली कभी डीएम करके कुछ पूछना है कोई मेजर कंफ्यूजन है तो बेसिकली इस इंस्टाग्राम हैंडल पे आप उसको डीएम भी कर सकते हो दैट इज इट लास्ट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड विद हिस्ट्री मैं एक और चीज बता देना चाहता हूं कि हम हिस्ट्री के लिए रादर एक्चुअली पूरे के पूरे यूपीएससी के लिए प्रिलिम्स प्लस मेन्स के लिए एक नया फाउंडेशन बैच बिगिन कर रहे हैं द बैच ऑब्वियसली इज गोइंग टू बिगिन फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ ऑगस्ट

जैसे यू क्लिक ऑन दी बाय नाउ यू जस्ट एंटर योर कूपन कोड जैसे कि ए एम आई टी एल आई वी अमित लाइव एंटर करना है अप्लाई यू हैव फीस इन फ्रंट ऑफ यू सिर्फ अट्ठारह हजार नौ सौ निन्यानवे रुपए से यू विल एक्चुअली हैव ज्वाइन द बैच एंड इट्स एज इजी फिर हम पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स के लिए अब उससे पहले बिफोर यू ज्वाइन द बैच उबाउट वी डू दिसन क्या क्या होता है अब यह जो चैप्टर है ना स्पेसिफिकली इस चैप्टर में मेन से रिलेटेड कंटेंट थोड़ा ज्यादा है प्रिलिम से रिलेटेड थोड़ा सा कंटेंट कम है, है जरूर प्रिलिम से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां से हर साल बनता ही बनता है कुछ ना कुछ अफेक्टिवली सो जस्ट रिहाइटरेट इन योर माइंड हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 1857 के कॉन्सिक्वेंस क्या हुए थे 1857 के के ऊपर अंग्रेजों ने रिएक्ट कैसे किया सो so, हर एक एस्पेक्ट पर रिएक्शन हुआ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस लाए प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस लाए और उनके नीचे जो थे सबसे ज्यादा लोकल बॉडीज के उसमें चेंजेस आए थे अब स्पेसिफिकली गवर्नमेंट को उस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको यह लगा कि रिवोल्ट होने का वन ऑफ द मेजर रीजन था फाइनेंशियल नीचे के लोगों के पास किसी भी सर्विस के लिए नीचे के एडमिनिस्ट्रेशन के पास किसी प्रकार का पैसा नहीं होगा तो इससे लोगों के अंदर डिस्कंटेंट बढ़ेगा तो हेंस दे स्टार्टेड प्रमोटिंग लोकल गवर्नमेंट थ्रू म्युनिसिपैलिटीज एंड द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आज अगर अपने देश में हम देखें तो हमारे शहर के लेवल पर लोकल गवर्नमेंट्स होती है लोकल गवर्नमेंट्स म्यूनसिपैलिटीज टाइप की जो चीज होती है ये अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस की थी देश के अंदर जो ये सर्विसेज हैं सैनिटेशन की वाटर की इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलिटीज की राइट ये जो सारी की सारी सर्विसेज हैं Again, ऐसा नहीं कि वो इंट्रोड्यूस नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता इट्स बेसिकली उनके यूरोप में होना स्टार्ट हो गया था तो हमें भी इट्स समथिंग जो यूनिवर्सल चीज होती है हमारे लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो ये 1860 के करीब का समय था एटीन हंड्रेड का समय था जब

सेवेंटीन uh, पे सेवनटीन 1750 से लेके एटीन तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होती है यूरोप में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाती है प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी लाती है राइज ऑफ टाउन्स सिटी बनना स्टार्ट हो जाता है तो जब सिटी बनेगी टाउन बनेगी बहुत सारे लोग एक ही जगह पर रहने लगेंगे हाई डेंसिटी हो जाएगी तो पीपल विल नीड रेगुलराइजेशन पीपल विल नीड मुंसिपैलिटीज पीपल विल नीड लोकल गवर्नमेंट्स सो दैट दे कैन मैनेज देयर अफेयर्स सिमिलरली वहां पर आने वाले थे तो इंडिया का जैसे जैसे कॉन्टेक्ट बढ़ा अंग्रेजों के साथ यूरोप तो ऐसे ही कहने की बात है न्यू मोड्स ऑफ इंपीरियलिज्म एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन मेड इट नेसेसरी कि बेसिकली ये जो सैनिटेशन एजुकेशन जो है ये वाले आइडियाज इंडिया के अंदर भी ट्रांसफर करें दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस लोकल बॉडीज इन इंडिया लेकिन अगर देखा जाए तो फोकस ये है कि अब जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है इंडियन सोसाइटी को इंडियन इकॉनमी को ब्रिटेन के लिए यूज करने को एक्सिलेट कैसे करें और ज्यादा बेहतर इस देखिए आपने शायद आज ये बात सुनी होगी सो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे लोगों के लिए नहीं हुई. हुई यू, जाया जाएगा तो ये रेलवे सिर्फ और सिर्फ ड्रेन के लिए है, कि बस ऐसी लाइने बिछा दो कि जो भी रॉ मटेरियल मिले उसको उठा के यूरोप लेके जाना है तो मध्य इंटरनल इंडिया के इंटरनली हमें जितना भी कोल रॉ मटेरियल चाय थान फैब्रिक जो भी चीज नील इंडिगो जो मिल जाएगा उस मसाले उस सब को किसी तरह से यूरोप लेके जाना तो यूरोप कैसे लेके जाएंगे रेलवे से सिमिलरली मुंसिपैलिटीज लोकल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स इज वन वे फॉर द ब्रिटेन टू बेसिकली ट्राइंग टू ब्रिंग न्यू इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन टू इंडिया तो यस दे वॉन्ट टू मेक सिटीज सेल्फ सफिशियंट बाई इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बट पर्पस यह है ऐसा करेंगे तो हमें फायदा होगा तो सबसे पहले इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट साथ ही साथ 1860 में Uh, जो इंडियंस थे हुई जा चुकी है. तो जैसे जैसे वो एजुकेटेड हो रहे थे तो वो भी मॉडर्न इंप्रूवमेंट्स मांगने लगे थे वाटर सप्लाई रोड्स और ऐसी ऐसी जो सिविक इम्यूनिटीज थी इनकी डिमांड बढ़ने लगी सोसाइटी में जैसे जैसे डिमांड बढ़ी गवर्नमेंट को लगा कि हाँ अब इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है नीड सर्टन लेजिटिमेसी कि हम क्यों हैं गवर्नमेंट को इस बात की एक तरीके की अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है कि वाई आर वी हियर तो उनको लगा कि दिस इज बेस्ट आइडिया वी आर हियर फॉर सैनिटेशन बट फाइनेंसेस जो थे वो बहुत ही बेकार थे अगर आप ब्रिटेन की ब्रिटेन के रूल की नेचर को देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि वट इज सो एक्सप्लॉयटेटिव अबाउट ब्रिटेन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वट इज सो एक्सप्लॉयटेटिव अबाउट इट आप देखिए इस समय देश में अगर अपनी खुद की जीडीपी या खुद का जब बजट आता है तो सबसे ज्यादा खर्चा किसके ऊपर होता है वेरी हैवी एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा हाई होता है अच्छा आप में से कोई प्यारा सा बच्चा हो विच आई बिलीव देर इज वन मुझे बताओ कि पिछले साल बजट में डिफेंस का कितना परसेंटेज था हाउ मच ऑफ द बजट वॉज स्पेंट ऑन द डिफेंस परसेंटेज के हिसाब से हर देश करता है जो बड़े देश होते हैं जो इकोनॉमिकली पावरफुल होते हैं उनको मिलिट्रिल पावरफुल भी होना होता है तो हमारे देश का जो वो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है अच्छा बड़ा है अंग्रेजों के समय में साठ परसेंट से भी ज्यादा जो खर्चा था वो आर्मी के ऊपर चला जाता था

उनकी आर्मी अपने बॉर्डर्स को एक्सपेंड करने के लिए थी तो उनको और भर भरकर खर्चा देना पड़ता था जब सारा पैसा आर्मी में खर्च कर दिया जाएगा तो बेसिकली सोसाइटी के लिए नहीं बचेंगे इट कुड नॉट इंक्रीज इट्स इनकम थ्रू न्यू टैक्सेस नया टैक्सेस इनको लगाने की पॉसिबिलिटी नहीं थी क्योंकि पहले ही गरीबों से इन्होंने खूब सारा पैसा लूट लिया था बट गवर्नमेंट चाहती थी कि, कि किसी तरीके से तो पैसा लिया जाए एंड तभी तरीका बना कि जो ये सैनिटेशन वाटर सप्लाई सिविक एम्यूनिटीज है इसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को दो द पीपल लिविंग वुड नॉट माइंड पेइंग टैक्सेस फॉर इट तो हम जब रोड टैक्स देते हैं या हम वाटर का टैक्स देते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी का तो वी फील ना वी आर पेइंग फॉर आवर ओन यूटिलिटीज हमारी खुद की सर्विसेज के लिए एज ए सर्विस हेंस ये जो सब कुछ सेंट्रलाइज गवर्नमेंट हैंडल करती थी ये सब दे दिया लोकल गवर्नमेंट को म्यूनिसपैलिटीज को so, वो सो वो डेढ़ सौ साल से सेम चल रहा है नाउ प्रोबेबली यू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट आया कहां से है अब िएशन तो ये जो खुद टैक्स लगातेबली तो पीपल वुड नॉट और ये चाहते थे जो इलीट क्लास है एजुकेटेड क्लास है उनके साथ यारी बनी रहे तो उनके ऊपर टैक्स नहीं लगाना चाहते थे तो ब्रिटिश मोनोपोली को एंडेंजर करे बिना क्या तरीका निकाला जाए भाई लोकल बॉडीज बना दो वो खुद अपना लोगों से टैक्स करेंगे अपन अपर एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएंगे वी वुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट सो अठारह से लेकर अट्ठारह तक इन साल में दे स्टार्टेड क्रिएटिंग लोकल बॉडीज सवाल ये है एक्चुअली जो मैं आंसर बताऊंगा बट उससे पहले आप मुझे बताइए कि कौन कौन सी लोकल बॉडीज थी जो कि से, से में फर्स्ट मुंसिपैलिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट मुंसिपैलिटी ऑफ इंडिया चलिए ये बताइए ऑल्सो ईयर दो सवाल है आपके पास बट हां कंसिस्टेड ऑफ नॉमिनेटेड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आपको पता है ना आजकल भी म्यूनसिपैलिटीज में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो आई एस कलेक्टर होते हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है यू नो वेयर कॉन्सेप्ट आइडिया हम लोकल गवर्नमेंट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाह रहे हैं ब्रिटिशर्स ओके दे आर मेकिंग म्यूनसिपैलिटीज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तो वहीं के लोग उन्हीं चीज को गवर्न करेंगे बट हर एक जो ये बॉडी बनी लोकल गवर्नमेंट उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स थे नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर किए तो इसका मतलब सारे के सारे ब्रिटिश कंट्रोल वाले सो पीपल आर नॉट गवर्निंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात डिफरेंस ध्यान रखते हैं एंड देयर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ना तो एक्चुअली में थी ना जो वहां के एजुकेटेड इंडियंस थे उनको लगती थी बस ये सिर्फ और सिर्फ नया टैक्स लगाने का एक उन्होंने इनोवेटिव सा जिसके ऊपर आसानी से कंप्लेन ना की जाए उसका बहाना था अगर आपको मैं कोई आप अगर आप किसी दिन अगर आप सोचे कि कोई आदमी कंप्लेन कर रहा हो कि मुझे पानी के ऊपर टैक्स नहीं देना आई डोंट वॉन्ट टू पे टैक्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी और अगर उसको ये सर्विसेज मिल रही हो यू वुड बी लाइक दिस इज समथिंग आउट ऑफ द स्टूबिडिटी यू आर सेट बिक यू आर बींग पेड अगर आपको सर्विस मिल रही है तो आपको किस बात की समस्या है एंड समथिंग लाइक दिस ब्रिलियंट आइडिया दे कम विद द ब्रिटिशर्स तो अब उसके ऊपर म्यूनिपाली के ऊपर भी टैक्स लग गए डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स जो हुआ करते थे जो कि ब्रिटेन के अंग्रेज के थे कलेक्टर आईएएस रेवेन्यू ऑफिशियल्स ये सारे के सारे उन लोकल बोर्ड्स के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के हमेशा प्रेसिडेंट रहा करते थे नॉन ऑफिशियल्स ग्रेजुअली बिकेम चेयरमैन अब अभी आप जानते हैं इस समय म्यूनिसपाली का चेयरमैन कौन होता है नॉन ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल का मतलब होता है इलेक्टेड बंदा ऑफिशियल का मतलब संबड़ी हुई पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट जिसके पास गवर्नमेंट जॉब है नॉन ऑफिशियल का मतलब संबड़ी हुई नॉट पार्ट ऑफ द इलेक्टेड सिलेक्टेड गवर्नमेंट

उसी के अंदर की सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट के अंदर चेंज किए थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है वो हमने भी सौ साल के बाद ही की है मतलब पचास साल के बाद इनसे तो, तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते थे so, अच्छा, यहां पर लॉर्ड रिपन लॉर्ड रिपन को बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्यों कहते क्या कहते हैं इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट

लॉर्ड रिपन गवर्नमेंट ये उस समय का वाइस रॉय था भारत का इसने क्या किया इसने बोला कि पॉलिसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग लोकल अफेयर्स लार्जली थ्रू रूलर रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज जिसके मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स नॉन ऑफिशियल्स होंगे दिस इज नोन एज लॉर्ड रिपोन रेजोल्यूशन अट्ठारह में यह वाइस रॉय है इसने इसने रिपोन रेजोल्यूशन लिया रिपोन रेजोल्यूशन जिसका मतलब ये था कि जो रूरल लोकल बॉडीज है या जो अर्बन लोकल बॉडीज इसके अंदर होनी चाहिए की. Now, की, इस, इस बात का सेंटेंस का नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट और द ब्यूरोसी की पावर कम हो गई सो so, गवर्नमेंट उसके अंदर इंटरव्यून नहीं कर सकती ब्यूरोक्रेसी uh, उसके अंदर इंटरव्यून नहीं कर पाएगी दिस वुड बी रूल दिस विल भी डेमोक्रेटिक क्यों क्योंकि नॉन ऑफिशियल्स मतलब कि जिनको इलेक्ट किया जाएगा ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स नहीं होंगे ये इलेक्टेड कैंडिडेट होंगे तो जब भी हम पढ़े ना जब भी हम हिस्ट्री में पढ़ रहे होते हैं सो देर इज ए रीजन कि किसी इवेंट को किसी प्रकार से इंटरप्रेट किया जा रहा है तो लॉर्ड रिपन को क्यों फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं सेल्फ गवर्नमेंट कहते क्यों है क्योंकि दिस गाइड सेज की लोकल बॉडीज जो है अर्बन लोकल बॉडीज उसमें नॉन ऑफिशियल्स मेजोरिटी में होनी चाहिए तो जब नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी में यानी कि गवर्नमेंट कम है वहां पर गवर्नमेंट कब है ब्यूरोक्रेसी कम है तो गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी जैसी कम होगी इसका मतलब सेल्फ गवर्नमेंट है self है सेल्फ सेल्फ वो वो रूल पे चला गया दैट इज नाउ अब गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी इंटरवीन नहीं कर सकती है दीज नॉन मेंबर्स वुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल वेयर एवर एंड वेन एवर ऑफिशियल फेल दैट इट वाज पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस इलेक्शंस गुड वन बिल्कुल सो दिस थिंग एक्चुअली में देखा जाए तो यह लेजिटिमेटली बनाता है लॉर्ड रिपोन को

अगेन दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि चेयरमैन जो होगा वो ज्यादा पावर गेन करेगा यूजुअली ये चेयरमैन कौन हुआ करते थे जो आई एस बन के आते थे इंडियन सिविल सर्विस उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल बोलते थे तो जो ए, ब्रिटिश के आईसीएस थे वो हुआ करते थे प्रोविंशियल एक्ट वर पास टू इंप्लीमेंट दिस रेजल्यूशन बट इलेक्टेड मेंबर्स वर इन माइनॉरिटी इन ऑल द डिस्ट्रिक बोर्ड्स एंड ऑफ द मूसिपालिटी मोर ओवर इलेक्ट बाई स्मॉल नंबर ऑफ वोटर्स द राइट टू वोट वॉज सिवियरली रिस्ट्रिक्टेड हाँ ये बाकी बेसिकली फिर उसका क्रिटिक हो गया यस इट वॉज अ गुड मूव परंतु उसके बावजूद भी कुछ सब्सटेंशियल भारतीयों के लिए अचीव नहीं किया गया दैट वॉज द रिएक्शन टू दी लोकल बॉडीज अठारह के बाद उसके बाद आर्मी ये इंपॉर्टेंट है और इसको जरा ध्यान से सुनना आर्मी वॉज दी वन हु रिवोल्टेड और हु रिबेल्ड अगेंस्ट दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो जैसे ही ब्रिटिशर्स ने जब अपने ऊपर खुद कंट्रोल लिया तो उनका जो सबसे ज्यादा फोकस निकला वो लगना आर्मी के ऊपर दे रियलाइज यही है आर्मी ही है जो कि हमें किसी सिविलियन रिबेल रिबिलियन से बता, बचा सकती है और यह बहुत जरूरी है कि इसको देश से थोड़ा सा कंप्लीटली सेपरेट रख लिया जाए आर्मी में जो चेंजेस आए थे थे वो बहुत ही लंबे तक गए सबसे पहले इट वाज साइज वेरी स्पेसिफिकली ठीक है अच्छा कुछ चेंजेस तो ऑटोमेटिकली होने थे क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी अब वो बेसिकली क्राउन की अब वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी बन चुकी है सो देर सपोज टू बी चेंजेस अब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी ट्रूप्स थे, थे, यूरोपियन फोर्सेस दे वर कोई खास बड़ी बात नहीं है बट मोर इंपॉर्टेंटली आर्मी को ऐसे रीऑर्गेनाइज किया था कि अब ये रिवोल्ट ना करे ठीक है तरीका ये था कि अब ये रिवोल्ट ना करे क्या क्या तरीके थे कैसे रिवोल्ट नहीं करेंगे अब इस प्रकार से अब लॉजिक भी है इनको

स्पेसिफिकली एक अंग्रेज होगा दो भारतीय है। हो तो हैं। प्रोपोर्शन होगा जो क्या नाम है ऑफिसर्स uh, हो और नीचे नाइनटी टू नाइनटी फाइव परसेंट सिर्फ और सिर्फ इंडियन सोल्जर्स हो एट दैट सिचुएशन सारे के सारे जुड़ गए तो इनको ऐसा हो जाएगा अब ये बैलेंस बनाने लग गए so, बंगाल आर्मी में हर एक यूरोपियन सोल्जर्स के पैरल में दो इंडियन सोल्जर्स थर्टी थ्री परसेंट ऑफ द सोल्जर्स वुड बी यूरोपियन एंड सिक्स वुड बी इंडियंस सिमिलरली मद्रास और बॉम्बे आर्मी में टू टू फाइव का कर दिया कि भाई फोर्टी परसेंट बेसिकली क्या नाम है यूरोपियन uh, सोल्जर्स होना चाहिए और बाकी जो बचे हुए सिक्सटी परसेंट है वो इंडियन सोल्जर्स होना चाहिए सो दैट इन रिबेलियन देर ऑलमोस्ट एन इक्वालिटी बैलेंस रहेगा तो ऐसा नहीं है कि आसानी से रिबेल किया जा सकता है क्योंकि अगर नाइनटी परसेंट नाइनटी फाइव परसेंट इंडियन हो तो फिर तो कोई भी छोटा सा अगर कोई स्पार्क मिल जाए सो so, जो रिवोल्ट है वो बड़ी आसानी से हो सकता है उसके साथ यूरोपियन ट्रूप्स वर ट्रूपर की ज्योग्राफिकल एंड मिलिट्री पोजिशन जो भी स्ट्रेटेजिक पोजिशन है वहां पर इंडियंस को रखो मत वहां पर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों को रखो ठीक है आर्मी की जो ब्रांचेस थी स्पेसिफिकली आर्टिलरी और टैंक्स एंड आर्मर्ड कॉर्ब्स इनको सिर्फ और सिर्फ यूरोपियन हैंड्स में दे दिया तो जो असली वाली जहां पे बेसिकली फायर पावर है जो बारूद बारूद जहां पे कंट्रोल पे करता है दैट वॉज कंट्रोल द ओल्डर पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूडिंग इंडियंस फ्रॉम द ऑफिसर कोर्स वाज स्ट्रिक्टली में भारतीयों को ऑफिसर मत बनने दो 1914 तक तो बेसिकली कोई भी इंडियन ऐसा नहीं था जो कि सूबेदार तक बन सकता था चलिए सेकेंडली इंडियन सेक्शन ऑफ द आर्मी वॉज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ बैलेंस एंड काउंटर पॉइंज या डिवाइड एंड रूल एज टू प्रिवेंट इट चाजेंस्ट इन अपराइजिंग डिवाइड एंड रूल और ये डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पे भारत के जितने भी लोगों थे उनको कास्ट के और क्रीड के बेसिस पर बांट दिया गया ये डिवाइड एंड रूल इन्होंने सीखा था अठारह सो पचास से लेकर सतर, सत्रह सौ पचास से लेकर अठारह सौ पचास के बीच पे दिस इज द रीजन देवर एबल टू विनओवर दो रीजनल स्टेट्स एक नवाब है शाहजुदुल्ला उसके घर के ही लोगों से पार्टी उसके घर के लोगों से ही ट्रेचरी कर लो उसके साथ कोई सांठगाट कर लो इसको मार दो उसको मार दो डिवाइड करते रहो इसके साथ उससे लड़ाई करा दो इसके साथ लड़ाई कर दो सिमिलरली सेम काइंड ऑफ पॉलिसी बेसिकली फॉलोड इन द आर्मी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रीजन एंड रिलीजन वॉज प्रैक्टिस्ड इन रिक्रूटमेंट टू द आर्मी इन्होंने अंग्रेजों ने एक थ्योरी चलाई एक मिथ चलाई कि कुछ जो रेस होती है वो होती है माचो रेस मार्शल रेस मतलब कि ये बनी युद्ध के लिए ये एंड you know, कुछ होती है नॉन वॉरियर्स अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है रिबेलियन में 1857 रिवोल्ट में जिस जिस रीजन के सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था उनको इन्होंने घोषित कर दिया नॉन मार्शल और जिन जिन जिन, जिन आ, एरियाज के या कास्ट के लोगों ने ब्रिटेन को सपोर्ट किया था ब्रिटेन आर्मी को सपोर्ट किया था उन सबको कर दिया घोषित मार्शल सो अवध बिहार सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया जिन्होंने जिन्होंने पार्ट लिया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में दे वर डिक्लेयर्ड एज नॉन मार्शल दूसरे जिन्होंने नहीं लिया था जैसे कि सिख गुरखास पठानों जिन्होंने असिस्ट किया था रिवोल्ट के में दे वर डिक्लेयर टू बी द मार्शल एंड वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स यू सी हिस्ट्री रियक्ट उसके कॉन्सिक्वेंसिस होतेमेंट्स को देवर मेड मिक्सर ऑफ वेरियस अब इनको स्पेसिफिकली बैलेंस कर दिया कम्यूनल बेसिस पर कास्ट बेसिस पर ट्राइबल बेसिस पर और रीजनल लॉयल्टी के बेसिस पर सोल्जर्स को ग्रुप करने लगा तो तभी से जो कास्ट एंड कम्यूनल कंपनीज थी देवर इंट्रोड्यूसड इन दोस्ट रिजीम आज भी इंटरेस्टिंगली

ये वही थी एवरी एफर्ट वॉज मेड टू सेपरेट देर लाइफ एंड थॉट फ्रॉम दी रेस्ट ऑफ दी पॉपुलेशन इट वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम नेशनलिस्ट आइडिया बाई एवरी पॉसिबल मीन बट अगर हम हिस्ट्री में आगे देखेंगे फाइनली धीरे धीरे जाते जाते कई जगहों पर आर्मी में भी रिवोल्ट हुए थे रादर रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जो है नाइनटीन फोर्टी सिक्स की वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है हमारे इंडिपेंडेंस से पहले जो दिखाता था कि जो नेशनलिस्ट आइडियाज हैं वो अब आर्मी में भी नेवी के अंदर भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं सो दे हैड नो वे टू एक्चुअली लूज इट इंडियन आर्मी बहुत महंगी हो गई क्योंकि इनका सारा खर्चा उसी के ऊपर जाता था उन्नीस में इट एबजॉर्ब नियरली फिफ्टी ऑफ इंडियन रेवेन्यू देखो फिर दोबारा से ब्रिटिश रूल क्यों खराब है ब्रिटिश रूल क्यों खराब है इंडिया से वो रेवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं टैक्स लिए जा रहे हैं लोगों से देखियो देयर टेकिंग टैक्स

तो जब सौ करोड़ रुपए कलेक्ट करने के बाद दो करोड़ रुपए किसी के पास बचेंगे देश में तो देश गरीब होगा और एग्जैक्टली यह भी किया अब दिस वॉज बिकॉज क्योंकि इसका एक ही पर्पज था इंडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा बड़ा इट वॉज दुएल इन दी क्राउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर तो ये कॉन्स्टेंटली इसको रशिया फ्रांस जर्मनी से डिफेंड करता था साथ ही साथ भारतीय ट्रुप को सिर्फ डिफेंस की नहीं इनको बाहर भेज देते थे क्या कहते हैं एशिया में अफ्रीका में इंडियन ब्रिटिश इंडियन आर्मी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरे, के पूरे देश पूरे के पूरे विश्व में लड़ी है, एशिया अफ्रीका तक इट वॉज द अल्टीमेट गारंटी ऑफ द ब्रिटिश और बहुत ही हैवी बर्डन एक्सपेंसिव बढ़ता ही गया बढ़ता गया था ब्रिटिशर्स को क्यों फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि रेवेन्यू तो इंडिया से आना है ना सो इंडिया इज गेटिंग पुअर दे डोंट केयर व्यक्ति उस रेवेन्यू से बेसिकली आर्मी चलानी है सो देर फॉन इन दियर करते रहते हैं पब्लिक सर्विस अच्छा दिस इज कॉमन 1857 से पहले पब्लिक सर्विसेज में इंडियंस को कोई खास रोल दिया नहीं जाता था इट कंटिन्यूड दे हैड लिटिल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके पास कोई रोल नहीं था ना वो लॉ में पार्टिसिपेट कर सकते थे ना एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज में ब्यूरोक्रेसी से भी बेसिकली उनको दूर रखा जाता था रादर 1853 में उन्होंने पॉलिसी चेंज की कि इंडियन सिविल सर्विसेज में इंडियंस को भी अलाउ करना चाहिए एंड यस ऑब्वियसली सत्येंद्रनाथ टैगोर ये देश के फर्स्ट आई एस है ये फर्स्ट टेक्निकली उस समय इंडियन सिविल सर्विसेज कहलाएंगे बट ये देश के पहले कलेक्टर है आईएएस जो भी आपको आई एस फर्स्ट आईएएस ऑफ द इंडिया कैन बी कॉल्ड आईएएस क्योंकि उस समय सर्विस का क्या नाम था आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज कहते थे उस समय तो फर्स्ट आईसीएस है ये टेक्निकली ठीक है बट वही प्रीकर्सर उसी चीज का हुआ रविंद्रनाथ टैगोर के भाई है ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे तो अठारह सौ तिरसठ में इन्होंने पेपर निकाला था तो जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो 2022 में और शायद 2023 में आप भी पेपर निकालोगे होपली हजार तेईस में जब आप निकालोगे तो आप याद रखना कि डेढ़ सौ साल पहले किसी ने निकाला हुआ है डेढ़ सौ भी क्यों। और भी ज्यादा तो एक सौ साठ साल हो गए हाँ, साल आपसे एक कैलकुलेट कर लेना पेपर किसी ने निकालता था ये बंदा था सबसे पहले वाला बट एक बात तो, बता इसमें सबसे पहले उसके बाद रेगुलरली निकालते थे इंडियन एक दो निकालते बट एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सिविल सर्विसेज ओपन थी इंडियंस के लिए बट प्रैक्टिकली बंद थी क्यों क्योंकि पेपर लंदन में होता था आज आज ओके okay, टुडे कितने चर, कितने लोगों तुम तो में से जो लंदन चले जाओगे यूपीएससी का पेपर देने के लिए ये अठारह की बात है पूरे देश में से चार हजार लोग लंदन जा सकते थे पांच हजार लोग लंदन जा सकते थे तो एक दो तो जो अमीर रिच वेल्दी फैमिली थी वही पेपर कर पा रही थी कोई और नहीं कर पाता था जस्ट स्ट मैं यू पी एस सी का एज फ्रेंड था अगर मुझे अगर यू पी एस सी का एग्जाम लंडन क्लियर होता तो मैं अपना कोई और जॉब पकड़ लेता जो तो इतनी दूर पैसे ही नहीं थे इतने उस समय कहाँ पे आज नहीं है यार उस समय कहा तो हवाई जहाज है और सस्ती मतलब मे बी सिक्सटी थाउजेंड रुपीज टू गो टू तो लंडन रिटर्न फ्लाइट में एक अस्सी हजार में तो रिटर्न फ्लाइट आ जाएगी

ने एक बार पेपर निकाला था अगर आज होते तो हम कई सारे सत्येंद्र खड़े कर देते क्योंकि आज जो यूपीएससी का कोर्स है वो स्टडी से ज्यादा अफोर्डेबल कोई दे नहीं सकता रादर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिविल फ्रॉम द सर्विसनाथ टेगोर टिल टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री देर हैज नॉट बी मोर अफोर्डेबल गाइडेंस एंड मेंटरशिप एंड द कोचिंग अवेलेबल फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देन वट स्टडी आईक्यू इज डूइंग थ्रू दी लाइफ फाउंडेशन कोर्स आई चैलेंज यू टू शो मी दी अदरवाइज यू गो टू पच्चीस हजार भी नहीं है यार ये इस पे आप कोड पे एक बार डालो मेन्सिलेबस एंड गोइंग टू सीरीज एंड इज एन इंडिविजुअल मेंटरशिप इन्वॉल्वड आल्सो बाय नाथ को नाथ टैगोर जी ने जो स्टार्ट किया था उसको आगे बढ़ाओ और अंग्रेजों को दिखाओ कलेक्टर के लंदन जाना और वहाँ पे कोई गोरा, गोरा मिलो पकड़ लेना इधर आओ तुम सुनो तुम्हारे दादा जी पता क्या करते थे hey, yes, अंग्रेजी में बोलेगा वो थोड़ी सी अब हम करके आए हैं क्लियर अब बताओ तुमको कौन से कलेक्टर से मिलना है तुमको कमाल है on, यार, क्या, क्या, कोई हरकत ठीक है सिविल सर्विसी से उन्नीस साल एज थी अठारह में इसको जन आप में से जो लोग अभी मॉरिशियस श्रीलंका थाईलैंड जा सकते हैं अफोर्ड कर सकते हैं वो सोचिए क्या पंद्रह या सोलह सत्रह साल में कर सकते थे 19 वर्स दी एज आज कितनी है चलिए पुलिस पब्लिक वर्क्स, मेडिसिन पोस्ट टेलीग्राफ फॉरेस्ट इंजीनियरिंग कस्टम लेटर जो भी बढ़िया बढ़िया जॉब थी सुपीरियर और हाईली पेड जॉब थी वहां रखे हुए अंग्रेज इन्होंने बढ़िया वाली जॉबों में बाकी सारी नीचे जो काम वाली है इंडियन वाली काम थे तो ये स्पेसिफिकली कि स्ट्रेटेजिक पोस्ट पे अंग्रेज पाए जाते को कैसे करोगे। जो सबसे बढ़िया पोस्ट है वो हम ले लेंगे बाकी देखा जाएगा हाँ धीरे धीरे हुई 1989, तो थे, 1900, 1919 में। हुए थे लेकिन क्या तीस साल में क्या ही करेंगे कोई फायदा नहीं है कोई पॉलिटिकल पावर मिल नहीं रही थी अंग्रेजों के पास सब कुछ था प्रिंसली स्टेट्स के साथ रिलेशन अठारह के बाद अंग्रेजों को यह पता चल गया कि देश में रहना है तो ये जो प्रिंसेज है ना इनको बचा के रखो क्यों क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि इनके पास है बहुत कुछ खोने के लिए तो जैसे ही रिवोल्ट होता है ना ये सबसे ज्यादा डरे, डरे हुए होते हैं तो ये डरे हुए होते हैं तो ये हमारी मदद करते हैं सो तो प्रिंसली स्टेट्स वर्दी एक्चुअल वन अगर ये रिविलियन में साथ देती तो ब्रिटिशर्स बाहर हो जाते बट वो राजा प्रिंस हैं उनको शौक है उनको और लग्जरी की आदत है तो वो ये रिवोल्ट रिवोल्ट जैसी हरकतें में कोई इंटर मतलब दे डोंट पार्टिसिपेट इन इट सो दे रियलाइज so कि अब इनको अपना पूरा का पूरा दोस्त बना दो अठारह से पहले वो पकड़ लेते थे और अनेक्स कर लेते थे उन्होंने बोला रहन दो ये वैसे ही हमारे नीचे हैं अनेक्स करके चिड़ जरूर जाते हैं तो इनको ना अनेक्स करना छोड़ो तो 1857 के बाद दे अनेक्सेशन की पॉलिसी छोड़ दी उन्होंने

तो उनको यह पता चला कि लॉर्ड कैनिंग कैनिंग क्या बोलता है कैनिंग इज द फादर ऑफ हु इज द फादर ऑफ सिविल सर्विस एंसर ठीक है तो यह बोला इनकी लॉयल्टी वॉज नाउ रिवॉर्डेड विद द अनाउंसमेंट राइट टू अडॉप्ट एयर्स वुड बी रिस्पेक्टेड एंड द इंटीग्रिटी ऑफ देर टेरिटरीज गारेटेड अगेंस्ट द फ्यूचर तो रानी लक्ष्मी बाई जिस लड़ाई कर ली थी शी एक्चुअली अचीव इट आफ्टर हर डेथ रानी लक्ष्मी भाई यह कहती थी भाई अडॉप्टेड सर ने तो उसको दो ना तो अब दे दिया इन्होंने लसनों ने अब दे दिया मोर एवर द एक्सपीरियंस ऑफ द रिवोल्ट ब्रिटिश बनाओ सपोर्टर बनाओ और इन्होंने बना लिया। तो ये ये हो हो गया गया। उनका, उनका बहाना थे थे। उनके दो, उससे पहले भी वही करते थे। Nevertheless, कोई की बात नहीं। अच्छा ये बात देखिए। छिहत्तर में एक ऐसे ऑब्जेक्टिव इवेंट बताता हूं क्वीन विक्टोरिया जो हुआ करती थी अज्यूम टाइटल ऑफ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया तो कब अंग्रेजों की रानी भारत की एम्प्रेस कब बनी है अठारह कर देते तो में कुछ -कुछ तो अब जब क्वीन विक्टोरिया जो भी अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स लिखा देती तो क्वीन ऑफ इंग्लैंड क्वीन ऑफ कॉमनवेल्थ क्वीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्वीन ऑफ फिर नीचे एमप्रेस ऑफ इंडिया वो उसके अब डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाने लगा था अठारह के बाद ठीक है उस समय जब ये किया था ये स्पेसिफिकली इसलिए किया था सोवरेनिटी को एम्फेसाइज करने के लिए कि शी इज द ऑफ इंडिया तो जो ये प्रिंसली स्टेट के ना है हैं, बट हैं हमारे अंडर और राजावाजन ने भी बेसिकली बोला था एक बार लॉर्ड करजन मेड इट क्लियर कि प्रिंसेस रूल कर रहे हैं अपनी स्टेट्स को मियर एज द ब्रिटिश क्राउन और जो ना मानने को तैयार आके बात कर लो हमसे इनके सबसे जो उस समय के प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे I think see there's no judgment okay there's no judgment involved here, judgment I'm not giving any judgment involved here okay and I, I, we, we were not present, so we do not know what the situation was there there is no judgment, but they were pathetic here yeah. absolutely pathetic again, not judging them because we do not know their circumstances, but just because they were rich, just because they had something to lose, just because they were so used to luxury.

अच्छा दो पहलू है यहां पे अगर ये प्रिंसली स्टेट्स को अपने से नीचे ट्रीट नहीं करते और पूरे के पूरे इंडिया को एक अकेले यूनिट में नहीं मानते तो ये जो कॉमनिटी है ना ये डेवलप नहीं होती क्योंकि फिर हर प्रिंसली स्टेट अपनी कुछ अलग करेंसी चलाती हर अपना कुछ अपना नया प्लान चल रहा होता बट वो सबके सब दे वर अंडर द रूल ऑफ द ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्सिडरी थे तो पूरे के पूरे इंडिया में ऑल इंडिया रेलवे ऑल इंडिया पोस्टल सर्विसेज ऑल इंडिया सिंगल करेंसी कॉमन इकॉनमी विच लेटर ऑन गिवस राइट टू ए कॉमन पोलिटिकल कॉन्शियसनेस उसी की वजह से वो नई डेमोक्रेटिक और जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है तभी तो जब एक करेंसी है सारी एक रेलवे एक पोस्टल टेलीग्राफ है तभी तो देश के सारे के सारे लोग भी एक देश दिस इज माय वन कंट्री में बिलीव करना स्टार्ट करेंगे जो कि फिर हमारी आने वाले जो नेशनलिस्ट लीडर हैं जो उन्होंने लोगों के अंदर भरे

अठारह सो में जब इन एजुकेटेड इंडियंस ने थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल सपोर्ट किया रिवोल्ट को ये जो एटीट्यूड था ना एजुकेटेड इंडियंस की तरफ अंग्रेजों का बदल गया उन्होंने बोला कि मॉडर्न नॉलेज जैसे ही मिलती है है तो इंपीरियलिस्टिक कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल सामने दिखने लग जाता ये ना वो एटीट्यूड है जब हम स्कूल कॉलेजेस जाते हैं और फिर हम जब सत्रह अठारह उन्नीस बीस थोड़े से बड़े होने लग जाते हैं तो हम पेरेंट्स के सामने उल्टा बोलना स्टार्ट करते हैं राइट लड़कियां भी जैसे, लड़के भी उल्टा बोलना स्टार्ट करते हैं और फिर वो बोलते हैं तू तो ज्यादा पढ़े लिख लिया एग्जैक्ट सेम एटीट्यूड अंग्रेजों का था तो पहले पेरेंट्स हमें स्कूल भेजते हैं कि बेटा जाओ पढ़ो सुबह छोटे थे ना हम स्कूल जा रहे हैं स्कूल नहीं जाते तो हमको डांट भी पड़ती हैं नहीं नहीं पढ़ना जरूरी है पढ़ने से भविष्य होगा ये वो पढ़ते हैं ठीक है फिर हम बड़े हो जाते हैं ट्वेल्थ कॉलेज में चले जाते हैं अब हम बड़े हो जाते हैं बीस साल के अब हमारे अंदर एटीट्यूड आ गया अब हमने सब कुछ पढ़ लिया और अब हम पेरेंट्स के सामने उल्टा बोलते हैं एंड देन दे बी लाइक कि तू तो ज्यादा पढ़ लिया है तूने ज्यादा दुनिया देख ली है तू तो पढ़ के ज्यादा बड़ बोला हो गया But that was the whole point. तुमने पढ़ाया इसीलिए तो था जब हम पढ़ लिए तो पढ़ के बोलने लग गए हमारे सामने मॉडर्न एजुकेशन होगी रीज रैशनैलिटी आएगी तो उसका जो इंपेरियस्टिक कैरेक्टर था पता चलेगा ना ये पैसे तो लूटने लग रहे हैं तो अंग्रेज ये तो पैसा लूट रहे हैं हमारे से सीक्रेट में सो so, 1857 रिवोल्ट के बाद एजुकेटेड इंडियंस की तरफ बेसिकली एटीट्यूड नेगेटिव हो गया ब्रिटिशर्स का और मोर इंपॉर्टेंटली यही एजुकेटेड इंडियंस थे जो कि धीरे धीरे नेशनलिस्टिक मूवमेंट को बनाएंगे नेशनलिस्ट मूवमेंट को इम्पार्ट करेंगे लोगों तक लोगों तक जो मासेज हैं जो गरीब मासेज हैं जो कि अनएजुकेटेड हैं इलिटरेट हैं उनको समझाना पड़ेगा यूरोपियंस और द ब्रिटिशर्स आर नॉट एक्जैक्टली रूलर्स ठीक है तो ये हायर एजुकेशन को धीरे धीरे कर्टेल करने लगे That is it. Such progress was, however, opposed to the basic and And policies of British official opposition. And higher education show had already exhausted whatever potentiality. और प्रिंसली स्टेट ने रिवोल्टे जो 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 रिवोल्ट जो जो रिवोल्ट हटा दो जमींदारों ने रिवोल्ट क्यों रिवोल्टे क्योंकि रिवोल्ट हमने इनकी जमीने हड़प ली थी एक काम करो इनको मत दो अच्छा कितना आसान था जितने भी मास जितने भी गरीब लोग थे ये उनके अगेंस्ट हो गए जितने भी रिच इलीट थे जो कि पावर सेंटर्स थे सोसाइटी में उनको अपने साथ मिला लिया सिंपल प्रॉब्लम प्रिंसेस राजा वाजा से दोस्ती कर लो जमींदारों से दोस्ती कर लो उसके बाद जो कोई पॉपुलर आर्मी को अपने कंट्रोल में रखो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो हाई पेइंग जो स्ट्रेटेजिक जॉब्स हैं उनको अपने कंट्रोल में रखो करते रहने दो इन मासिस को कुछ भी क्या करेंगे दिस इज वॉट दे डिड दैट इज वॉट इट वॉज नथिंग सौ साल तक यही चला था

तो मेरे 600 सौ एकड़ की जमीन अंग्रेजों ने वापस दी है अब मैं नहीं चाहता मेरी छह सौ की जमीन कोई वापस किसी प्रकार से ले ले। तो जब लोग गांव के कुछ बदतमीजी करेंगे तो मुझे अगेंस्ट नेशनलिस्ट माइंडेड इंटेलिजेंसिया ये उनका तरीका था और कोई तरीका नहीं था दिस इज दे डिड सिंपल सरल सी बात सोशल रिफॉर्म्स यहां पे क्या हुआ 1857 से पहले अंग्रेज एक्चुअली में पार्ट कर रहे थे पार्टिसिपेट करना चाहते थे सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना चाहते थे लेकिन सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने से जो कंजर्वेटिव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो रिएक्ट करता था दे लाइक इट तो कंजर्वेटिव क्लासेस जो थे उनको ये बात बर्दाश्त से बाहर थी कि वो रिफॉर्म करते किसी भी प्रकार के दादर आज सुनने में लगे हुए कि रिफॉर्म्स तो अच्छी चीज थे सर जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अबॉलिशन ऑफ द कस्टम ऑफ सती परमिशन ऑफ द विंडोज टू री ये

अबाउट इट आई थिंक ओनली रिएक्शन माथा पकड़ के बैठ सकते हैं इस मुद्दे के ऊपर हम क्या करेंगे क्या चल रहा था जवाहरलाल नेहरू ने बोला डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेचुरल अलायंस ऑफ द ब्रिटिश पावर विदरीम दार्डियन एंड द अपहोल्डर ऑफ मैनी कस्टम एंड प्रस इज अदरवाइज कंडेम्ड तो ये यूरोप में सोशल प्रोग्रेस लाने की कोशिश करते हैं अंग्रेज लेकिन भारत के अंदर कंजरवेटिव को खुश रखने के लिए कि तुम गुस्सा कंजर्वेटिव यूजली हैव पावर स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं स्टेटस को जो मेंटेन करता है मतलब क्योंकि उसके पास पास पावर पावर है सी अगर आपके पास नहीं है, तो यू वांट टू चेंज द द सिस्टम सिस्टम यू यू वुड वुड लाइक लाइक टू टू चेंज चेंज वु स्टेटस को बट ओनली दो पर्सन वुड लाइक टू चेंज द स्टेटस को जिसके पास पावर नहीं है जिसके पास होगी दे वुड नॉट वॉन्ट एनीथिंग टू बी चेंज तो कंजर्वेटिव कौन होगा कंजर्वेटिव वो होता है जिसके पास पावर होती है

अगर वो ऐसे सोशल रिफॉर्म्स वाले लॉ पास करते तो ऑर्थोडॉक्स इंडियंस इनको लात मारते अपोज करते और बोलते कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ फॉरेनर्स है हैड नो राइट टू इन द इंटरनल सोशल अफेयर्स ऑफ द इंडियन ऑन द अदर हैंड अगर वो ऐसे लॉ नहीं पास करते तो ये सोशल इविल परपेचुएट होते रहते कंटिन्यू होते रहते हा प्रॉब्लम ये है दिस बिकेम स्पेसिफिकली तो प्रोग्रेसिव इंडियंस और कंजर्वेटिव इंडियंस के बीच में अंग्रेज में अंग्रेज एक्चुअली गए थे उस समय इन्होंने डिसीजन लिया टू दी एग्जिस्टिंग सोशल इवेंट्स और फिर वो कास्टिसिज्म कम्युनलिज्म है उनको अपने पॉलिटिकल के लिए इनको हेल्प मिलने लगी सो दैट इज वाई वैसे हमारे कंजर्वेटिव भी कुछ यहां पे मतलब

प्रोग्रेस कर रही है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी सो दे आर गेटिंग गुड एवरीवेयर इंडिया में हमें जितना भी रेवेन्यू था अंग्रेजों को जितना भी रेवेन्यू था वो खर्च करना था आर्मी में जब सारा पैसा देखो आपके पास अगर सौ रुपए हो तो आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा जैसे कुछ ट्रेवल में खर्च होगा कुछ डिनर पे खर्च होगा कुछ यू हैव टू बजट इट राइट जितने भी पैसे होंगे आपके पास इन्होंने सारा पैसा खर्च कर दिया था आर्मी के ऊपर सब पैसा आर्मी के ऊपर खर्च कर दोगे तो तो एजुकेशन, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, वाटर सप्लाई पे कुछ नहीं मिलेगा तो हमारी जो से 20 करोड़ रुपए आर्मी पे खर्च कर दिए 17 करोड़ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पे बट 2 करोड़ रुपए एजुकेशन मेडिसिन और पब्लिक हेल्थ मिला के और सिर्फ पैंसठ लाख नाउ यू नो क्यों हमारे देश का किसान गरीब है कैन यू इमेजिन क्योंकि एग्रीकल्चर पे उन्होंने इंप्रूवमेंट के लिए पूरे रेवेन्यू में से 0.5 परसेंट खर्च कर रहे हो साल में 0.5 परसेंट खर्च कर रहे हैं पूरे साल में 0.5 परसेंट पूरे साल में एंड नाउ दिस इज नॉट फॉर एन ईयर दिस इज अ परमानेंट पॉलिसी फॉर हंड्रेड दैट इज व्हाई द फार्मर इज पुअर इन इंडिया दैट इज इट यार और तो कुछ भी नहीं है तो दे मेनली साउथ यूरोपियंस याद है ना आपको मालूम है किसी भी शहर में बहुत सारे शहरों में सिविल लाइन्स होती है विच इज यूजली दिवी पॉश एरिया ऑफ द सिटी है ये जो सिविल लाइन्स है सो कॉल्ड सिविल लाइन्स ये ब्रिटिश वहां पर अंग्रेज रहा करते थे और यूजली सबसे ज्यादा बेस्ट जो सिविल सर्विस यूटिलिटीज हैं वो उस एरिया में होती है पॉश एरिया होता है किसी भी शहर का सिविल लाइन्स जो है मोर और लेस आजकल भी वहां पर गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं और वो इसी वजह से क्योंकि वहां रहते थे अंग्रेज तो ये उधर वाटर सैनिटेशन एकदम सब चकाचक चक चमका के रखते थे बियॉन्ड दैट कोई इनका पास कोई और ऑप्शन नहीं था लेबर लेजिस्लेशन खुश रहो कि तुम 1920 में पैदा हुए हो 1920 नहीं रादर एक्चुअली में 2020 में पैदा हुए आजकल जी रहे हम आज से डेढ़ साल पहले लॉ पता है क्या कहता था लॉ कहता था कि लेबर बस 12 से 16 घंटे काम कर सकता है एंड संडे ऑफ नहीं है बस नो वीकली डे ऑफ द रेस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन वर्क द सेम एज मेन ऑब्वियसली वेजेस तो देने का कोई मतलब ही नहीं था चार से बीस रुपया महीने की इंडियन गवर्नमेंट वॉज द बर्ड स्टाइल ईस्ट इंडिया कंपनी विच वॉज अ प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी सो वो प्रो कैपिटलिस्ट कैसे नहीं होंगे उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस लिए बट uh, कुछ मिला नहीं उनको स्पेसिफिकली बट हाँ ये इसको ऑब्जेक्टिव तौर पे याद रखते हैं द फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट वॉज पास कर लो यार इसको ये बहुत ही जरूरी बात है चलिए इसको से याद करें एक्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर इट लेड डाउन दैट द चिल्ड्रन बिल हंसोगे और थोड़ा सा बट दिस वर दर्कमस्टेंसेज उस समय नहीं पता था लोगों को क्या होता है क्या नहीं होता है सो होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड 1881 में पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट पास होता है ओके दैट्स इट एक्ट क्या करता है बोलता है कि सात साल से छोटे बच्चे फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे और कहीं कर सकते हैं फैक्ट्री में नहीं करेंगे दूसरा सात से बारह साल के बच्चे नौ घंटे से अधिक काम नहीं करेंगे दिस वॉज अ प्रोग्रेसिव लॉ ओके हिलेरियस इट मतलब शर्म से मर जाएंगे अगर आज ये पास हो जाए बट उस समय ये प्रोग्रेसिव लॉ था कि सबसे पहले तो सात साल से छोटे बच्चों को फैक्ट्री में काम मत कराओ तो, तो आप मतलब घर का बच्चा साढ़े सात साल का हुआ चलो भाई काम पे चल जाओ कितने घंटे पापा नौ घंटे से ज्यादा नहीं करना है चिंता मत करो आजकल नए लॉ आ चुके हैं यू जस्ट हैव टू वर्क ओनली आवर्स तुम 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 तो इसलिए चीख रहे हो हमारे टाइम में तो बारह बारह घंटे काम क्या करते थे तुम्हें तो सिर्फ नौ घंटे काम करना पड़ता है चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गेट फोर हॉलीडेज इन अ मंथ

बट दैट वॉज दी दिस वॉर दी सर्कमस्टेंसेज लेट्स नॉट जज दाइम्स ऑफ दैट टाइम दिस वॉज अ लॉ जो कि इसी प्रकार से था नॉट ए प्रॉब्लम बट हम इसको बस हम फैक्चुअल डेटा की तरफ से करते हैं कि लेबर लेजिस्लेशन में जब आपसे सवाल पूछा जाए कि लेबर लेजिशन में ब्रिटिश एम्पायर के क्या चेंजेस थे क्या नहीं थे यू स्टेट अवे गो फॉरवर्ड विद दिस आइडिया सिंपल है सरल है कोई खास कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर चलिए कोई बात नहीं दूसरा एटीन नाइनटी वन में सेकेंड इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट पास किया गया यहां पे उन एडल्ट्स वालों के बारे में बात आ गई फॉर ए वीकली हॉलीडे फॉर ऑल वर्कर्स वर्किंग आवर फॉर वर एट इलेवन वाइल डेली आवर्स वर्क फॉर चिल्ड्रन वर रिड्यूस टू सेवन आवर्स ऑफ वर्क फॉर मेन वर स्टिल लेफ्ट अनरेगुलेटेड प्रोग्रेस हो रही है ये कहीं सोच कि सर सोचो क्या चल रहा है दिस इज प्रोग्रेस दिस इज हाउ वी हैव हैीच टूडे कि भाई आज तो मेटर्निटी लॉज भी पास करने पड़ते हैं प्रोग्रेस टेक्स टाइम्स

बच्चों के लिए थिंक अबाउट हाउ हैप्पी दे वुड हैव बीन इन देयर ओन प्रोग्रेसिवनेस वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू लेबर लॉ वेयर अ चाइल्ड विल नॉट बी एबल टू वर्क मोर देन सेवन आवर्स वाओ वी आर प्रोग्रेसिव वी आर दी वाइट मैन वी विल ये जो ब्रूट हैं है you know, हम जो ब्रूट थे अनएजुकेटेड इलिटरेट इंडियंस जो थे हम इनको

स जाते जाते मैं आपको एक बात याद दिला देता हूँ फाउंडेशन कोर्स के बारे में यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन अगर कर रहे हो जेनुअनली करना चाहते हो नेक्स्ट ईयर के लिए सारी की सारी प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्टडी आईक्यू का लाइफ फाउंडेशन बैच को दैट वी वुड बी रियली रियली इंश्योरिंग कि आपके पास हर प्रकार का अच्छा कंटेंट हो अच्छा इको हो पूरे के पूरे लर्निंग का यू कैन ऑब्वियसली टेक एडमिशन इन दी कोर्स कोर्स स्टार्ट कब हो रहा है एक अगस्त को क्लासेस कब होंगी शाम को छह बजे ठीक है कोर्स की वैलिडिटी क्या है अट्ठारह महीने एटीन मंथ तक बेसिकली आपके पास कोर्स होगा लाइव क्लासिसंपल ईजी नॉट्लम एनी मोर एनथिंग एल्स कोई कंफ्यूजन है सो एम ऑब्वियसलीन दी इंस्टाग्राम फॉर यू एंड ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल पे आपको पता ही चल जाएगा टिल देन हम देखते हैं नेक्स्ट अंग्रेजों ने क्या किया था हमारे देश में यदि लेक्चर नंबर